हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल के डेट पे मैंने एक पोल कंडक्ट करवाया था कि कितना एवरेज अटेम्प्ट किया है लोगों का। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैक्सिमम लोगों का 70-80 अटेम्प्ट किया है, बस 1200 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो मैंने बहुत सारे चैनल से डेटा भी कलेक्ट किया, तो जो कि एक्चुअली अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स वाले चैनल्स है, तो उसी के बेसिस पे मैं यहाँ पे जो कट ऑफ है वो यहाँ पे एक अपने हिसाब से प्रिडिक्ट करने वाली हूँ, ठीक है। एंड उसी के साथ मैंने कल एक क्वेश्चन, मतलब आज सुबह एक क्वेश्चन पूछा था कि लेवल कैसा था। तो जैसे कि देख सकते हो, मैक्सिमम बच्चों का ये मानना है कि लास्ट ईयर से इस बार का क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल पे था, मतलब थोड़ा सा ही लेवल अप था, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस काइंड ऑफ अ सेम था। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं बता देती हूँ कि ये जो एनालिसिस होगी वो कम्प्लीटली मेरी होगी। मे भी हो सकता है कि आई एम बिल्कुल भी नियरर भी नहीं होंगी मैं, लेकिन ये मेरी प्रेडिक्शन होगी। सो डोंट टेक इट कि हाँ इतना बोला था इतना नहीं किया। सो जस्ट डोंट बी लाइक दैट। सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। तो नंबर ऑफ, जो मतलब जो हमारे कट ऑफ जो होते हैं वो तीन फैक्टर पर डिपेंडेंट है, जैसे कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो कि इस बार लेस है, और लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन जो कि पोल के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, एंड कॉम्पिटिशन लेवल तो हमेशा बढ़ते ही जाता है। सो उसमें तो कोई भी क्वेश्चन ही नहीं है। तो इसीलिए इस बार का कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं हर एक स्टेट में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी लास्ट ईयर के हिसाब से। मे भी चार से पाँच मार्क का भी फ़र्क आपको देखने को मिल सकता है बहुत सारे स्टेट्स में, ऑलमोस्ट एवरी स्टेट में। तो चलते हैं हम, मैंने पूरा बनाया हुआ है चार्ट, तो देखते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे जो कट ऑफ है वो नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है। जैसे कि गुजरात का सबसे ज़्यादा है तो वो सबसे पहले, उस हिसाब से लाइन बाय लाइन आपके वैकेंसीज वाइज स्टेट से। तो हम स्टार्ट करते हैं गुजरात से। गुजरात का 56.75 लास्ट ईयर था, दिस टाइम दिस गोना बी 63, काइंड ऑफ अ प्लस माइनस 2। उसके बाद महाराष्ट्र, उसका 59.75 था और इसमें 65। यहाँ पे तमिलनाडु का 62 था एंड यहाँ पे 67 उनके चांसेस है। और जैसे कि कर्नाटक का आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके 64 होने के चांसेस बन रहे, हमेशा प्लस माइनस 2 के रेंज पे रहेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम चलते हैं, क्योंकि इन दोनों स्टेट्स में आंध्र प्रदेश वाले भी अप्लाई करेंगे, सो काइंड ऑफ बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश तो हमेशा ही एक ज़्यादा लेवल पे रहता है, तो इस बार उसका 78 जाने के चांसेस है। पंजाब का 77.5 गया था, तो 80 जाने के बहुत चांसेस बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज है इन दोनों में ही, और कहीं ना कहीं हर एक स्टेट से वहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे, मतलब किए गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चांसेस बढ़ सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हाई कट ऑफ जा सकता है। उसके बाद हम चलते हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में बाहर के लोग ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनका लैंग्वेज बंगाली है और वो सबको नहीं आता है। तो 73 जाने के चांसेस है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज आर लेस। फिर उसके बाद हमारा आता है तेलंगाना। तेलंगाना में भी बहुत, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश पूरा तेलंगाना में ही डाला होगा, ठीक है। तो 71 से भी ज़्यादा जा सकता है। उसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान में भी 73 जा सकता है, क्योंकि उनका जो फर्स्ट थिंग उनका भी हिंदी है, बहुत लोग अप्लाई करेंगे एंड उनका भी वैकेंसी कम है। हिमाचल का भी वही सीन है, उनका भी हिंदी है, बहुत लोग अप्लाई करेंगे एंड वहाँ पे हाई कट ऑफ जाने के चांसेस बन सकते हैं। ये 74 से भी ज़्यादा हो सकता है। और आसाम का लास्ट ईयर मुझे पता नहीं कितना, मुझे मिला भी नहीं, बट दिस टाइम 73 हो सकता है। वेस्ट बंगाल वाले भी डाले होंगे, त्रिपुरा वाले भी डाले होंगे। तो छत्तीसगढ़ का 68.75 था, हरियाणा का 72.75, ये दोनों भी हाई में जाएंगे, क्योंकि अगेन हिंदी लैंग्वेज है, बहुत सारे लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मे भी ओडिशा से भी लोग बहुत सारे अप्लाई करेंगे। तो 74 छत्तीसगढ़ का, हरियाणा का 77, केरला का 69.75। यहाँ पे ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करेंगे, उनके ही स्टेट वाले अप्लाई करेंगे, क्योंकि वैकेंसी कम है, तो इस बार 73 अराउंड जाने के चांसेस बन रहे हैं। दिल्ली में अगेन 76.25 था, 79 के उससे ज़्यादा जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि हिंदी स्टेट अगेन और महाराष्ट्र की सॉरी मध्य प्रदेश का भी वही सीन है। तो इन दोनों में 75-79 इस तरह से जाने के चांसेस है। ओडिशा में 68.25 था, 175 जनरल की वैकेंसी थी, इस बार 78 जाने के चांसेस से ज़्यादा ही जाएंगे, क्योंकि बस 31 जनरल की वैकेंसी है। उत्तराखंड भी वही सीन है, हिंदी स्टेट है, तो इसीलिए वहाँ पर भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आपके हाई कट ऑफ जाए। तो ये था मेरा पूरा एनालिसिस, अपने हिसाब से था, देखते हैं कितना कहाँ तक मैं पहुँचती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं कि बाकी सारे स्टेट्स में क्या है ना, 10-15-12-13 इतने ही वैकेंसीज है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा तो जाएगी, बट क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हुए हैं बहुत सारे स्टेट्स में, तो आई थिंक कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ पर कट ऑफ प्रेडिक्ट करना। बट स्टिल लास्ट ईयर के हिसाब से 5-6 मार्क अब ज़्यादा ही लेके चलना, ठीक है। तो मैं इसलिए नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ फ़ायदा ही नहीं मिलेगा, है ना। सो लेट इट बी। तो आप आराम से
जितना भी आपका था 5-6 मार्क ज़्यादा ही लेके आप कट ऑफ चलना, ठीक है। तो बस इतना ही था और क्या। चलो देखते हैं मैं कहाँ तक सही मेरा प्रेडिक्शन लगता है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट गाइज। अगर आपकी कोई भी आप किसी से अगर डिफर कर रहे हो मेरे जो कट ऑफ से, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कौन से स्टेट का कितना जाएगा, देखते हैं है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज। तो ऑल द बेस्ट फॉर मेन एग्जामिनेशन। अगर आपको कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट हो मेन एग्जाम के लिए तो मुझे बिल्कुल कमेंट करना वहाँ पे कि आपको कौन कौन सी फील्ड में हेल्प चाहिए, तो उसके रिलेटेड मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID, वहाँ पर भी आप मेरे को फॉलो करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो।